हेलो एवरीवन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं सी यू ई टी पी जी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का पेपर है स्क्रीन पे जो आप पेपर देख रहे हो ये टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सी यू ई टी पी जी फॉरेंसिक साइंस का पेपर है जिसका पेपर कोड है एस सी क्यू पी थर्टीन मैं हर एक स्टूडेंट को ये याद दिलाती रहती हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो कैसी नेगेटिव मार्किंग की स्कीम है प्लस फोर माइनस वन प्लस फोर माइनस वन मतलब एक आंसर सही करने के लिए प्लस फोर मार्क्स आपको मिलेंगे एक आंसर नेगेटिव करने पे आपको माइनस वन मिलेंगे ओके okay? सो so, आपको सोच समझ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है ओके okay? ब्लाइंडली आप नहीं सिलेक्ट कर सकते आंसर्स राइट सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स से क्यों शुरू कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव तक कॉमन क्वेश्चन होते थे पहले बट अब वो कंपल्सरी नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ सेवेंटी फाइव फॉरेंसिक साइंस के क्वेश्चन पे ही फोकस कर सकते हैं ओके सो वी विल डू ऑल द सेवेंटी फाइव ऑल द टोटल सेवेंटी फाइव क्वेश्चन ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन दिस वीडियो ओके लेट्स विद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शर्लक होम्स वॉज अ कैरेक्टर इन द ना ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स सर ऑथर कैनन डायल अगानता क्रिस्टी पेरी मैंसन एंड विक्टर ह्यूगो सो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है जिसमें आपसे ये पूछ रहा है कि जो शर्लक होम्स कैरेक्टर था उसे किसने बनाया था तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सर ऑथर कैन डायल होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेंसिक साइंस में आपने पढ़ा होगा कि शर्लक होम्स एक ऐसा कैरेक्टर था ये एक फिक्शनल कैरेक्टर था जो कि साइंस के डिफरेंट मेथड्स को यूज करके क्राइम को सॉल्व किया करता था यहाँ से ही फोरेंसिक साइंस का ओरिजिन हुआ है है ना जैसे कि ये कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट साइंसेस को इस्तेमाल करके क्राइम क्रैक करता था रियल लाइफ में भी हमने जो ऐसा करना शुरू किया तो जो साइंस की टेक्निक है वो हमें रियल लाइफ रिजल्ट देने लग गई एंड यहां से ही फॉरेंसिक साइंस की शुरुआत हुई तो शर्लक होम्स को किसने क्रिएट करा सर ऑथर कैनन डायल ने ये एक राइटर थे ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे बट इनका भी फॉरेंसिक साइंस में कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आपसे क्या पूछ रहा है विच टेक्निक इज यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ग्लास एविडेंस ग्लास एविडेंस के केस में कौन सी टेक्निक यूजफुल है अच्छा मैंने इसकी जस्ट पहली वाली वीडियो में ना टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का पेपर सॉल्व सौ, कराया है और आज हम कर रहे हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का इन दोनों पेपर में आप देखोगे कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो ड्रास्टिकली बढ़ा है अभी जो क्वेश्चन पेपर हम पढ़ रहे हैं ना ये जो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का क्वेश्चन पेपर सोल्व सौ, कर रहे हैं ये एज कम्पेयर टू टू थाउजेंड ट्वेंटी बहुत ईजी आपको लगेगा एंड ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं है जैसे कि स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू टाइप के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैच द दफकोर्स रिलेटिवली ईजी होता है बट एक भी मैच आपने गलत कर दिया तो वो सारा का सारा इंटायर आंसर गलत हो जाता है तो जो आपके क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो ऑफकोर्स बढ़ रहा है तो अभी भी आप ईजी क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ओके सो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होंगे बट जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो डिफिकल्ट होगा आपका जो कोर नॉलेज अगर है फॉरेंसिक का वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जरूर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एक्यूरेटली बट अगर थोड़ा सा भी शेकी बेस है आपका फॉरेंसिक्स का तो फिर दिक्कत हो जाएगी इस वजह से आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है अभी भी बहुत सारा टाइम आपके पास है आप स्टार्टिंग से भी प्रिपरेशन शुरू करोगे तो अच्छी सी प्रिपरेशन आप कर सकते हो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो जो हमारे एप्लीकेशन में अभी चल रही है सी ई टी

इंडेक्स मेजर करते हैं और एक टेक्निक होती है जिसे हम ग्रिम कहते हैं ग्रिम राइट right? आपने ये शॉर्ट फॉर्म देखा होगा सो so, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है ग्लास का ठीक है जो दो ग्लासेस का अगर हम रिफ्क्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं और सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आता है मतलब उनका ओरिजिन सम हाव सेम है सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन हियर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपसे क्या पूछ रहा है वाइल्ड स्केचिंग अ क्राइम सीन ऑफ सीन ऑफ ऑकेंस वाइल्ड स्केचिंग अ क्राइम सीन है सीन ऑफ ऑकरेंस डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपा शुड बी फाउंड एंड मार्क्ड बाई अड ऑफ कोर्स यूजली दिस नेरोड इंडिकेट्स विच ऑफिंग डायरेक्शन जब आप क्राइम सीन रिकॉर्ड करने का प्रोसेस पढ़ते हैं तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो हम मार्क करते हैं स्केचिंग के टाइम पे है ना स्केचेस क्रिएट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्राइम सीन को कैसे रिकॉर्ड करते हो थ्रू स्केचेस थ्रू Notes through photos and through videos. ठीक है तो ये कुछ मेथड्स हैं जब हम स्केचिंग करते हैं स्केचिंग जब करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन हम लेते हैं नॉर्थ का डायरेक्शन हम लेते हैं एंड देन नॉर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप स्केचिंग करते हो सो ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन जिसमें आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है ठीक है so सो यहाँ पे कुछ डिफरेंट लाइक um, like, टॉपिक्स uh, हैं है ना कुछ कुछ फिनोमिनाज है जिनको आपको क्या करना है मैच करना है सो एनाक्रामिज्म कंटेम्प्रेरी राइटिंग अनोनमस राइटिंग वाटर मार्क्स सो आपको ईजीली ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ठीक है सो वॉट आर द लिस्ट टू राइटिंग ऑफ सिमिलर पीरियड नॉट इन द अलाइनमेंट विद द टाइम ओरिजिन ऑफ द पेपर एंड ऑथर ऑथर ऑफ द राइटिंग इज़ अननोन सो ईजिली कहते हैं अनोनोमस राइटिंग में क्या होता है जो ऑथर है वो अननोन रहता है है ना ये हमें नहीं पता होता है कि किसने ये लिखा है right? and watermark, सबसे अगेन क्या होता है? मार्क पेपर का ओरिजिन बताता है ठीक है सो so अब ये देख लो सी और डी टू एंड सॉरी थ्री एंड फोर से किस में मैच हो रहे हैं सबसे पहले देखेंगे डी डी में थ्री अच्छा ए की है ठीक है एंड डी का थ्री है सी का फोर होना चाहिए सी का फोर है येस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपको बाकी दो और ऑप्शन मैच करने की ज़रूरत नहीं है अगर दो से ज़्यादा आपके दूसरे और जो ऑप्शन उसमें ये कॉमन नहीं है तो आप मैच अगर दो भी करते हैं या एक भी कर रहे हैं तो आप करेक्ट आंसर पे लैंड कर सकते हैं बट इसके अलावा और भी देख लेते हैं कि एनाक्रामिज्म का मतलब क्या होता है नॉट इन द अलाइनमेंट विद द टाइम टाइम के साथ अलाइनमेंट नहीं हो रहा है कंटेम्प्रेरी राइटिंग अगेन ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है सिमिलर पीरियड की राइटिंग्स को हम कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स कहते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी गाइडेड हैंड राइटिंग इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है जो गाइडेड हैंड राइटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं स्किल्ड राइटिंग असिस्टेड राइटिंग फॉर्ज राइटिंग स्टिमुलेटेड राइटिंग ऑफकोर्स अगर मैं आपको गाइड करूँ कि देखो भाई आपको ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है इस तरीके से लिखना है तो मैं क्या कर रही हूँ आपको गाइड कर रही हूँ गाइड करना मतलब क्या करना असिस्ट करना आई एम असिस्टिंग यू सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन हियर असिस्टेड राइटिंग okay next question question number 31 given below are two statements one is labeled as assertion and the other one is labeled as reason so assertion reason question hey assertion kya any surface on which something is written in any form conveying some message can be said as document absolutely correct assertion to paper is the most common surface used to make document again sahi hai. but reason is not the correct करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए क्योंकि और कुछ एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा है रीजन रीजन बस ये बोल रहा है कि पेपर सबसे कॉमन सर्फेस है हाँ जी भाई पेपर सबसे कॉमन सर्फेस है बट इसके अलावा भी और भी अदर सर्फेसिस हैं जिसमें डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू डॉक्यूमेंट क्रिएट करा जाता है सो फॉर दिस ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन कि ए और आर दोनों करेक्ट तो है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू आपसे क्या पूछ रहा है ब्लॉबिंग कैन बी फाउंड इन राइटिंग रिटर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इंस्ट्रूमेंट काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है ठीक है ब्लॉबिंग से आपको वापस से क्वेश्चन आ सकता है बट इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आएगा स्ट्रेट अप क्वेश्चन नहीं आएगा हो सकता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लाइक स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू में आ जाए हो सकता है असर्शन रीजन में आ जाए बट ये जो ब्लॉबिंग फिनोमिना है है ना वो किस पेन में आपको देखने को मिलता है फाउंटेन पेन बॉल पॉइंट पेन रोलर पेन एंड स्केच पेन सो बॉल पॉइंट पेन का ये फीचर होता है कि वो ब्लॉप करता है का मतलब क्या होता है? किसी एक पॉइंट पे इंक का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है जैसे कि मैं लिख रही हूं अगर मैंने यहाँ पे एंड करा तो आप देखना कई सारे बॉल पॉइंट पेन होते हैं जहां पे आपने एंड किया है अपना सेंटेंस है ना या फिर जहां से शुरू किया है वहाँ पे एक्स्ट्रा इंक का डिपोजिशन होता है ये यूजुअली बॉल पॉइंट पेन में होता है और इसे ही कहते हैं ब्लॉपिंग ठीक है दिस फिनना इज नोन एज ब्लॉबिंग लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री लिस्ट वन को लिस्ट टू से आपको मैच करना है मिसलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक्रमेटोग्राफी गैस क्रोमेटोग्राफी हाई परफॉर्मेंस थिंडियर क्रोमेटोग्राफी जेल क्रोमेटोग्राफी हियर वी हैव लिस्ट टू एग्जाम्पल ऑफ प्लेनो प्लेनोक्रोमेटोग्राफी यूज ऑफ सेपरेशन ऑफ माइक्रो मैक्रो माइक्रोमोलिक्यूल्स एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफोरसिस एंड बेस्ट फॉर वोलाटाइल सैम्पल्स तो इसके लिए आप सबसे पहले देखो जेल क्रोमेटोग्री ोग्राफी आपने कभी भी जेल क्रोमेटोग्राफी का नाम नहीं सुना होगा है ना जेल क्रोमेटोग्राफी इज अ न्यू थिंग क्योंकि हम हमेशा पेपर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी एचपीएलसी इनके बारे में हमने पढ़ा है राइट सो इसी वजह से ये काफी थोड़ा डिफरेंट है अब यहाँ पे देखो मिसलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक क्रोमेटोग्रफी ये भी आपके लिए बहुत ही यूनिक क्रोमेटोग्रफी होती है अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकाइनेटिक की बात हो रही है इलेक्ट्रोकाइनेटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज करी जा रही है सो इस क्रोमेटोग्राफी से आप क्या कर लोगे इलेक्ट्रोफोरिस दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफोरिस क्योंकि इसमें क्या यूज़ हो रही है इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का मैंशन है दैट्स वाई ए गोज विथ ऑप्शन लिस्ट नंबर थ्री ठीक है अब इसके साथ ही साथ जो जेल क्रोमेटोग्राफी है जेल क्रोमेटोग्राफी से आप क्या करोगे मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करोगे ओके मैक्रो मोलिक्यूल्स को आप सेपरेट करते हो सबसे इजी आंसर इसमें क्या है गैस क्रोमेटोग्राफी आपने कई बार ही पढ़ा होगा दैट गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ बेस्ट फॉर वोलाटाइल कंपाउंड्स वोलाटाइल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी हम यूज़ करते हैं तो देख लेते हैं ये सारी मैचिंग कौन से ऑप्शन में हो रही है सो ए गोज़ विथ थ्री सो वन टू थ्री थ्री ए हमेशा थ्री ए की ऑप्शन है जो कि ए को थ्री मैच कर रहा है एंड दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन बी गोज़ विथ फोर सी गोज़ विथ फर्स्ट ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है ओके एंड ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कास्टिंग किट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ पेंट फायर फुट प्रिंट एंड ब्लड सो ये भी बहुत ही ईजी और स्ट्रेट क्वेश्चन है कि फ़ुट प्रिंट को ही हम कास्ट करते हैं है ना फुट प्रिंट जब थ्री डी फुट प्रिंट अवेलेबल होता है आपको किसी भी सरफेस पर यूजली मड या फिर सॉइल में होता है तब जाके हम कास्टिंग किट यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ दी फुट प्रिंट ओके फायराम ब्लड और पेंट में हम कभी भी कास्टिंग किट यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव जो कि आपसे पूछ रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज कपल्ड विथ सेम सेम का फुल फॉर्म क्या है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ कौन सा और डिवाइस है जिसे हम कपल करते हैं मतलब साथ में यूज़ करते हैं सो एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एनर्जी डिस्पेस एनर्जी डिस डिफ्रेंशिएट स्पेक्ट्रोमीटर एनर्जी डिस्ट्रेसिंग स्पेक्ट्रोमीटर एंड इल्यूजन एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ कपिल करके यूज़ करते हो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स आपसे पूछ रहा है फायर डैबरीज इज़ पैक्ड इन अगेन बहुत ही ईजी स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फायर डैबरीज को आप कैसे पैक करते हो ग्लास फाइल में मेटल कैंस में प्लास्टिक बैग में एंड कार्डबोर्ड बॉक्स में सो so आप सभी को ये पता है आपने प्राइमरीली ये चीज़ पढ़ी है जब आर्सन के बारे में आपने पढ़ा होगा तो हम फायर डैबरीज को मेटल कैंस में या पेंट कैंस में कई बार आपको ऑप्शन में पेंट कैन्स भी दिखेगा बट उसमें पेंट नहीं होता बट पेंट कैन कैसी होती है मेटल की बनी हुई होती है सो पेंट कैंस या फिर मेटल कैंस में आप किसी भी तरीके के फायर डेबरीज को कलेक्ट करते हो क्यों कलेक्ट करते हैं हम मेटल कैंस में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है तो आपको ये याद रखना है ताकि हम स्पेस हेड स्पेस मेथड से टी के थ्रू क्या कर सकते हैं हम जो भी कंपोनेंट उस वोलाटाइल गैस में अवेलेबल है इससे आप ये पता लगा सकते हो कि किस तरीके का uh, मटेरियल यूज़ करके आर्सन लगा लाइक आर्सन क्रिएट किया गया है या फिर आग लगाई गई है वो पेट्रोल है डीजल है कैरोसिन है आप ये सारी चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं फिर मिक्सचर ऑफ लाइक मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स है ये सारी चीज़ें आप टीएलसी के थ्रू हेड स्पेसिंग मेथड से कर सकते हो जब हम मेटल कैंस में फायर डेब्रीज प्रिजर्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन आपसे क्या पूछ रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर सारे के सारे क्वेश्चन इजी और स्ट्रेट हैं ये टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का क्वेश्चन पेपर है मैं बार बार कह रही हूँ कि टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के जैसा क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा अभी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में क्योंकि आप बहुत बड़ा डिफरेंस देख रहे हो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी टू के बेसिस पे है ना टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का जो क्वेश्चन पेपर है ये काफी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू है ना सो so, आपको 2022 का सॉल्व जरूर करना है आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ से पूछे जा रहे हो सकता है कि सेम कॉन्सेप्ट रिपीट किया जाए बट कौन जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता है क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होते क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर में ओके सो सिंथेटिक फाइबर क्या है सेतूश नाइलॉन मोहेर एंड अंगूरा सो so, आपको ये पता है कि नाइलॉन इज दी सिंथेटिक फाइबर ह्यूर ये सारे के सारे क्या हैं ये दोनों तो एनिमल फाइबर हैं एंड ये क्या है प्लांट फाइबर है सो सिंथेटिक फाइबर इज ऑप्शन टू नाइलॉन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डाइटम्स सैम्पल शुड बी कलेक्टेड प्रिफरेबली फ्रॉम ब्लड बोन मैरोयर एंड स्किन सो यहाँ पर दो चीज़ों में आप कन्फ्यूज हो सकते हो या तो ब्लड या तो फिर बोन मैरो बट जब आप डाइटम्स के बारे में पढ़ते हो ये स्टेटअप आपको बोलता है कि आपको लंग्स से सैम्पल लेना है एंड देन फिर बोन मैरो से सैम्पल लेना है बोन मैरो में भी डाइटम्स डिटेक्ट होते हैं सो बोन मैरो इज द लाइक प्रोमिनेंट प्लेस टू पिक क्योंकि अगर बोन मैरो में डायटम मिल रहा है इसका मतलब ये है कि ड्राउनिंग की वजह से ही डेथ हुई है डायटम्स क्या है प्लांट प्लांट uh, होते हैं प्लांट जैसे होते हैं दीज आदि एल्गीज प्लांट गलती से मैंने बोल दिया ये एल्गी होते हैं इनको हम फाइटो प्लांटॉन कहते हैं ओके okay? ये क्या करते हैं फोटोसेंथिस करते हैं एंड ये अलग अलग वाटर बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं जिसके थ्रू आप वाटर बॉडीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनकी एक सिलिका की केस होती है सिलिका की केस इनके अंदर इनके पास सिलिका की केस होती है जिसकी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एग्जाम्पल है एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम ड्राउनिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन दी एल्कोलॉइड्स बार्बरीन एंड प्रोटोपाइन आर ऑप्टेन फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग सो एल्कलॉय्स क्या होता है मैंने आपको कई बड़ी क्लासेस में बताया है एल्कलॉयड्स कई सारे जो प्लान्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट फिजोलॉ डिफरेंट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ, शो करते हैं ह्यूमंस में तो उन्हें हम कहते हैं एल्कोलॉय दिस आर नथिंग बट द केमिकल्स जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं अब बार्बरीन एंड प्रोटोपाइन ऐसे दो एल्कोलॉय्स हैं जो कि जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपको मिलेंगे सो तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है सो so, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन है जिसमें करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन थ्री आर्जिमोन मैक्सिकाना आपने आर्जमिन मैक्सिकाना के बारे में पढ़ा होगा ये कैसे दिखते हैं मस्टर्ड सीड के जैसे दिखते हैं येलो कलर का इसका फ्लावर होता है और ये टॉक्सिक होते हैं नेचर में ये कैसे टॉक्सिक होते हैं जो जैसे कि मैंने बताया ये मस्टर्ड सीड के जैसे लगते हैं इस वजह से मस्टर्ड जो ओरिजिनल मस्टर्ड सीड है उसके साथ अडल्ट्रेशन करने के लिए आर्जुमोन मैक्सिकाना की सीड्स को यूज़ करते हैं ताकि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो डिग्रेड हो जाए बट ये जो आर्जुमन मैक्सिकाना की सीड्स हैं वो आपके मस्टर्ड सीड के प्राइस पे ही बिकेगी तो वो मनी गेन के लिए अडल्ट्रेशन करते हैं आर्जुमॉन मैक्सिकाना की सीड से एंड जो कि क्या होती है काफ़ी टॉक्सिक होती है और अगर कंज्यूम करते हैं ह्यूमन् इसके सीड्स को तो उनमें बुरे हेल्थ इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं सो ऑप्शन थ्री करेक्ट ऑप्शन हियर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी आपसे क्या पूछ रहा है बाई फ्रिंजेंट मटीरियल्स कैन बी विजुअलाइज यूजिंग स्टीरोजोम माइक्रोस्कोप कंपेरिजन माइक्रोस्कोप फ्लोरसेंस माइक्रोस्कोप एंड पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप अब जो ये मटीरियल्स होते हैं बाई फ्रिंजन मटीरियल्स क्या होते हैं ये बेसिकली आपके uh, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो अपने डिसाइडेड पाथ से क्या हो जाती है डाइवर्ट हो जाती है है मूव uh, हो जाती है ना जो यहाँ पे एक एंगल बनता है लेट्स से दिस इज मीडियम एंड दिस इज मीडियम टू क्या है बाइफ्रेंड मटेरियल है लाइट की जो वेव है वो एंटर कर रही है इसमें एंड आइडियली इसको इसी तरीके से पास होना चाहिए था बट वो थोड़ा कम डायरेक्ट लाइक यहाँ पे जो एंगल बनता है वहां पे एंगल कम बनता है और इसकी वजह से क्या होता है आपकी जो लाइट की जो लाइट uh, की जो इंटेंसिटी ऑफ कोर्स कम होती है और जो मटेरियल है जो बायोफ्रिंजन मटेरियल है उसमें दो डिफरेंट तरीके के लाइट सोर्स आपको देखने को मिलते हैं इस वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनते हुए दिखती है आपने इसका एग्जाम्पल पढ़ा होगा स्कूल में जब कभी भी ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है और आप उसमें क्या रखते हो किसी भी स्पून uh, को रखते हो तो आपको क्या दिखती है स्पून मुड़ी हुई दिखती है बट वो मुड़ी हुई नहीं होती है रियलिटी में ये किस वजह से होता है या आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चेंज हो गया उसकी वजह से होता है हो. और इस तरीके के रिफ्रैक्शन को आप कैसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हो आप पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में देख सकते हो तो ऑप्शन फोर इज़ द करेक्ट ऑप्शन पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप क्या करता है जो डिफरेंट डायरेक्शन में आपको ये पता होगा कि जो लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती है है ना सो इन ऑल द डरेक्शन्स की वाइब्रेशंस को जो पोलराइजर होता है लेट्स दिस इज पोलराइजर सो पोलराइजर क्या करता है ए की डायरेक्शन की वाइब्रेशन को डिटेक्ट करके अपने फ़िल्टर से पास होने देता है जिसकी वजह से आप चीज़ों को विजुअलाइज़ कर सकते हो और जो बाकी और अदर डायरेक्शन के जो वाइब्रेशन है उनको क्या कर देता है रिड्यूस कर देता है इस वजह से आप पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन आपसे क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज यूज इन द फ्लोसेंस माइक्रोस्कोप फ्लोसेंस माइक्रोस्कोप में हम सोर्स ऑफ लाइट क्या यूज़ करते हैं तो ये आपको याद रखना है कि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में आप यू वी लाइट यूज़ करते हो ठीक है विजिबल लाइट यूज़ नहीं करोगे आई आर बी यूज़ नहीं करोगे नियर आई आर बी यूज़ नहीं करोगे आई आर तो यूज़ करना ही नहीं है क्योंकि क्या होती हैं हीट वेव होती हैं आई आर मतलब हीटेड लाइट सो यू वी लाइट यूज की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्या पूछ रहा है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं है ना पोल आपके पोलन के क्वेश्चन भी आपको काफी देखने को मिल सकते हैं पोलन से डाइटम से एक एक क्वेश्चन आपके सीवीटी पीजी में बनते ही बनते हैं ठीक है ना स्किंग ऑफ पोलन रेफर्स टू ओपनिंग दफ़ द पोलैंड पैटर्न ऑन द पोलन सर्फेस अरेंजमेंट ऑफ द एपरिट ऑन द पोल डिस्पर्सल पैटर्न ऑफ द पोलन सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू सो आपको मैंने जब पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ाया था जब मैंने फोरेंसिक बॉटनी आपको पढ़ाया था तो ये मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन का जो आउटर सर्फेस होता है उसमें यूनिक पैटर्नस बने हुए होते हैं यूनिक पैटर्न्स बने होते हैं और अगर कहीं पे भी पैटर्न्स इंक्लूड हो जाते हैं तो वो मेजर रोल प्ले करते हैं आइडेंटिफिकेशन में है ना जब आप पोलन्स के आउटर सरफेस को स्टडी करते हैं तो आप क्या कर सकते हो दूसरे पोलन्स के साथ उन्हें कंपेयर कर सकते हो और आइडेंटिफिकेशन उनकी कर सकते हो इन अ पॉजिटिव मैनर है ना कन्फर्मेशन कर सकते हो कन्फर्म आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एंड इसे इसे ही हम कहते हैं स्कल्पचरिंग ऑफ पोल्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन मेथड इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डाइटम्स फ्रॉम विसरा विसरा से डाइटम एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ड्राई ऐशिंग डिस्टिलेशन और एसिड डाइजेशन सो एसिड डाइजेशन मेथड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट डाइटम फ्रॉम विसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर जो आपका ब्लू डाई होता है ओके जो क्रिमसन ब्लू डाई होता है वो स्टेनिंग के लिए यूज़ करते हैं हम तो कौन से बायोलॉजिकल मटेरियल को आप स्टेन करोगे डीएनए को प्रोटीन को आरएनए को या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को तो आपको ये आपने ये पढ़ा होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि जो क्रिमसन ब्लू डाई है वो प्रोटीन को स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है प्रोटीन स्टेन करने के लिए आप क्रिमसन ब्लू डाई यूज़ करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव आइडेंटीफाई द यूनिवर्सल डिटेक्टर इन गैस क्रोमेटोग्राफी गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सा यूनिवर्सल डिटेक्टर यूज करते हैं हम सो गैस क्रोमेटोग्राफी जहां पे भी यूज हो गई आपको टी सी डी डिटेक्टर ध्यान में रखना है गैस क्रोमेटोग्राफी में हम एज अ डिटेक्टर टी सी डी डिटेक्टर यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स लिंडलाटल्स कैटलिस्ट इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ किसके रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम एल्किन्स टू एल्काइंस के रिडक्शन के लिए इस कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं कैटलिस्ट इस का इस्तेमाल करते हैं अच्छा जो केमिस्ट बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चन है वो आपको एज कंपेयर टू फॉरेंसिक साइंस सिंपल ही देखने को मिलेंगे एंड एज कंपेयर टू फॉरेंसिक साइंस कम क्वेश्चन ही आपके क्वेश्चन पेपर में होने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन विच इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक इज बेस्ट सूटेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटालिक पॉइजन मेटालिक पॉइजन डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे गैसक्रोमोटोग्रफी ए ए एस मतलब अटोमिक अब्जॉर्ब्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्टिलेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तो मेटालिक पॉइजन आपको डिटेक्ट करना है तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी इंस्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यहाँ क्या है अटोमिक अब्जॉर््पन स्पेक्ट्रोस्कोपी सो इज द करेक्ट option for this question next question question number 48 the hybridization of s atom in sodium oxide will be so is my consa hybridation hoga sp2 type of hybridization hoga next question question number 49 एकोडाइनिया इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन सो मर्क्यूरी पॉइजनिंग फिनोल पॉइजनिंग लेट पॉइजनिंग और आर्सेनिक पॉइजनिंग सो जो ये पॉइजनिंग है इसका करेक्ट आंसर है आंसर फर्स्ट मर्क्यूरी पॉइजनिंग मर्क्यूरी पॉइजनिंग के केसेस में आपको एकोडाइनिया डिजीज देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द मर्क्यूरी पॉइजनिंग देर इज अ देर इज अ डिसऑर्डर कॉल्ड एकरोडाइनिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नेचर ऑफ सी स्नैक वेनम इज हिमाटोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन माओटॉक्सिन एंड माइटोटॉक्सिन तो ये भी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है जो स्नैक पेनम होता है वो कम टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू अदर स्नैक पेनम जो सी स्नैक या फिर वॉटर में जो स्नेक रहते हैं पानी में जो स्नैक होते हैं वो कम जहरीले होते हैं और इनका जो जहर है वो कहाँ पर एक्ट करता है माइटोटॉक्सिन मतलब मसल्स पर एक्ट करता है बाकी और जो दूसरे स्नेक्स हैं उनके क्या होते हैं उनके न्यूरोटॉक्सिन होते हैं मतलब आपके न्यूरॉन्स फिनिश हो जाएंगे हिमैटोटॉक्सिन मतलब आपका जो ब्लड जो आपकी ब्लड सेल है वो क्या होने लग जाती है वो बर्स्ट होने लग जाती है तो जो हिमैटोटॉक्सिन टाइप ऑफ स्नेक वेनम होते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है एंड न्यूरोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन टाइप ऑफ स्नैक पॉइजन इज इवन वर्स जिसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो इंडिविजुअल्स होती हैं उनकी डेथ हो ही जाती है बट स्नैक वेनम सी स्नैक वेनम इज़ लेस टॉक्सिक और वो मसल्स पे एक्ट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन बाबीटरेट ऑन विच ऑफ द रिसेप्टर ये भी बहुत ईजी स्ट्रेट क्वेश्चन है जब आप बाबीट्स के बारे में पढ़ोगे तो आप बहुत ही प्रोमनेंटली गाबा रिसेप्टर के बारे में पढ़ोगे एंड गाबा ए रिसेप्टर इज अ रिसेप्टर जो कि बाबीटुरेट ड्रग्स पे एक्ट करती है मतलब बाबी ट्यूरेट जो ड्रग्स होते हैं वो गाबा रिसेप्टर पे क्या करते हैं आके बाइंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन

नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फिफ्टी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर टू बी कपल्ड HPLC? एच पी एल सी एच पी एल सी में सबसे लीस्ट सेंसिटिव कम सेंसिटिव जो डिटेक्टर है वो यू वी डिटेक्टर्स होते हैं ये कम सबसे कम सेंसिटिव होते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम एच पी एल सी के साथ हम यू वी टाइप ऑफ डिटेक्टर ही यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर टेस्ट इज यूज्ड यूज फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड यूरिन सलाइवा और सीमिन अगेन ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट क्वेश्चन है जो क्रिएटिनिन टेस्ट है वो यूरिन टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है ये जो टेस्ट है वो यूरिन डिटेक्शन के लिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर ल्यूबो हेयर्स सो जो ल्यूबो हेयर हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन हेयर होते हैं, हैं बहुत ही कम पिगमेंटेड होते हैं एंड बेसिकली बहुत ज़्यादा थिन होते हैं बट इसके स्केल पैटर्नस होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं बट यहाँ पे क्या पूछा गया विच इज़ नॉट करेक्ट तो इसमें से जो करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है बहुत ही पोरली पिगमेंटेड होते हैं बहुत ज़्यादा थिन और सॉफ्ट होते हैं ये uh, बहुत रेयर होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्केल पैटर्न इनमें नहीं होता है हमेशा मेचोर थिक हेयर में ही स्केल पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे लगूनो हेयर्स में आपको स्केल पैटर्न मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे दैट्स वाई ऑप्शन फोर इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट फिंगरप्रिंट पैटर्न इन एनी पॉपुलेशन इज आँख बंद करके आपको लूप आंसर पे टिक कर देना बिकॉज लूप इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट पैटर्न बेसिकली जो इंडियन पॉपुलेशन है इंडियन पॉपुलेशन में तो सबसे ज़्यादा कॉमन लूप ही आप ओवरऑल पॉपुलेशन में भी देखोगे तो लूप ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है बट इंडियन पॉपुलेशन में भी जो लूप पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन आपको क्या करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है लिस्ट वन में नेम ऑफ द साइंटिस्ट है लिस्ट टू में पी एच डी अवार्ड कहाँ से उन्हें मिला है ये बताया गया है सो मैक्स एयरविन आरहीनियस एंड नील्स बोर सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर सो जो मैक्स हैं उनको पी एच डी अवार्ड हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूशन नेक्स्ट जो है एयरविन इनको यूनिवर्सिटी ऑफ मियना से पी एच डी मिली थी देन वी हैव आरहीनियस इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ उपासला से मिली थी एंड देन नील्स बोर यूनिवर्सिटी ऑफ कोपिनगन सो ये इनका करेक्ट मैथ है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट सेटलिंग ऑफ ब्लड टू दोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड एज लाइवोटिस कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था रेगामोटिस क्या होता है राइगामोटिस इज स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी बॉडी स्टिफ हो जाती है उसे हम कहते हैं रैगोमोटिस अल्गमोटिस इज लाइक लोअर टेम्परेचर जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे बॉडी टेम्परेचर क्या होने लग जाता है लो होने लग जाता है बॉडी ठंडी होने लग जाती है उसे कहते हैं एल्गोमोटिस और जो डिपेंडेंट एरियाज हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है जो कि पीठ के बल लेटी हुई तो पीठ में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और ब्लू कलर का डिस्कलरेशन क्रिएट करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं लेवोमोटिस ठीक है सो so, इसको हम लिवोमोटिस कहते हैं सेडिमेंटेशन इज नॉट इवन रिलेटेड विथ पोस्टमार्टम फिनमज सो so, उसको एनिमिनेट कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन हाउ इज पेरीमोटम ट्रामा डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एंटी एंटीमोटम इंजरी ठीक है तो यहाँ पे पेरीमोटम ट्रामा को कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे एंटी एंटीमार्टम इंजरी से सो so, इसका करेक्ट आंसर क्या एंटी एंटीमार्टम ट्रामा ट्रामा इज मोर सीवियर पेरी पेरी पेरीमोटम ट्रामा इज मोर सीवियर इन एंटी एंटीमार्टम इंजरी देयर इज एविडेंस ऑफ हीलिंग एंड इन पेरी पेरीमार्टम ट्रामा मोर ब्लीडिंग इज देयर सो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड जब कभी भी एंटीमॉटम इंजरी होती है मतलब अगर कोई भी पर्सन जब जिंदा है उसे कोई इंजरी हुई तो उसकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देती है ठीक है जिस भी तरीके से नेचुरली बॉडी हील करती है एंटीबॉडीज़ क्रिएट करेगी ज़्यादा ब्लड ब्लड का एक्ूमलेशन हो जाएगा उस प्लेस पे क्योंकि वहाँ पे हीलिंग शुरू करनी है तो ये एविडेंसेस उस पर्सन में मिलते हैं क्योंकि बॉडी ऑलरेडी लिविंग है बट अगर बॉडी अगर वो पर्सन ऑलरेडी डेड है तो किसी भी तरीके की हीलिंग प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं करेगी वो बॉडी बिकॉज वो पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो ऑलरेडी स्टॉप हो चुका है तो पोस्टमार्टम या पेरीमार्टम ट्रामा में किसी भी तरीके की एविडेंस ऑफ हीलिंग आपको नहीं मिलेंगे किसी भी तरीके के एविडेंसेस नहीं मिलेंगे बट एंटीमार्टम इंजरी में ऑफ कोर्स हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और जिस भी लेवल पे हीलिंग प्रोसेस पहुंच चुका है उस लेवल के हीलिंग प्रोसेस के एविडेंसेस आपको उस बॉडी में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इन फीमेल क्रेनियम इज कंपेरिजन टू द मेल क्रेनियम इज अच्छा अभी आपका जो सी यू का सिलेबस है उसमें फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी नहीं है ठीक है बट आपको फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे देखो जैसे कि यही क्वेश्चन है दिस कम्स फ्रॉम दी फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है सिर्फ वही आपको पढ़नी है दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको आउट सिलेबस भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको वहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं टू का जो सिलेबस है वो भी सेम ही था बट उसमें भी आपको फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चन है तो हो सकता है कि जो एन है वो एक्सपेक्ट कर रही हो क्या आप फॉरेंसिक मेडिसिन के साथ ही फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लो ठीक है यहाँ पे हम बात करेंगे फीमेल क्रेनियम बोन की और मेल क्रेनियम बोन की सो सिमिलर मोर लाइक मोर फोर हैड एंड मोर प्रोनाउन सुपर ऑर्बिटल रिजेज लार्जर विद विद्रीटिंग फोर हैड एंड मोर प्रोनाउंस उपर ऑर्बिटल रिजेज स्मॉलर विद द मोरडेड फोर हेड एंड लेस प्रोनाउंसरबल येस ये करेक्ट ऑप्शन है जब आप मेल क्रेनियम या फिर मेल्स कल और फीमेल्स कल को कंपेयर करोगे तो जो मेल्स कल है उसका जो फोरेड है वो ज़्यादा क्या होगा अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो फोर हेड ज्यादा बड़ा होगा जो सुपर ऑर्बिटल रिजेज होंगी वो ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे ये हमेशा होता है और राउंड तो बिल्कुल भी नहीं होता है बट जो फीमेल क्रेनियम है जो फीमेल स्कल है वो साइज़ में स्मॉल होगा फोर हेड राउंड होगा और जो सुपरा ऑर्बिटल रिजेस होंगे वो बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं होंगे वो बिल्कुल मिक्स मिक्स से होंगे दैट्स वाई ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन को आपको लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है यहाँ पे नाकॉटिक्स हेलोजनोजन स्टिमुलेंट एंड डिप्रेसेंट यहाँ पे एल एस डी एल्कोहल हेरोइन और कोकेन सो ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है हेलोजिनोशंस क्या होते हैं एल एच डी हेलोजिनोशंस होते हैं एल एच डी हेलोजिनोशंस हैलोज हालुजिने, हैलोजन क्रिएट करता है जो स्टिमुलेंट है अच्छा स्टिमुलेंट ना एल्कोहल स्टिमुलेंट भी होती है और डिप्रेसेंट भी होती है तो अभी इसको स्किप कर दो नाकोटिक्स क्या है अच्छा डिप्रेसेंट ओके सो कोकेन इज अ काइंड ऑफ अ स्टिमुलेंट ठीक है सो कोकेन को स्टिमुलेंट पे मर्च कर दो डिप्रसेंट नाकॉटिक्स नाकॉटिकरोइन क्योंकि ओपियम डेरिवेटिव है एंड एल्कोहल इज डिप्रेसेंट हियर ठीक है तो जो मेजर एल्कोहल का एक्ट होता है वो डिप्रेसेंट ही होता है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस ही करता है स्लीप इंड्यूसिंग भी होता है जो स्टिमुलेंट है ये आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करता है एक्टिवेट करता है जो हेरो हेरोइन है या जो नाकोटिक्स है ये भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डाउन ही करते हैं बट समाइम इट ऑल्सो एक्ट एज अ पेन किलर हेलो जी हाँ जी हाँ जी बताइए हाँ मैं अभी अभी नहीं स्विच करना चाहता हूँ अभी नहीं स्विच करना चाह रहा है मतलब ये कि वो रेडी अपडेट्स हो गए हैं तो फिर वो दोबारा हमें दिक्कत आएगी करने में तो हम जिस प्लेटफॉर्म पे हम उसी पे ही रहेंगे हाँ हाँ वो जहाँ भी हाँ बट हमारी हमार, अगर हमारा जो बेस चला गया ऑडियंस का तो फिर हम क्या करें एपेक्स मैं आपको ऐसे घुमाऊंगा नहीं ओके फॉर ऑल दिस रीजन ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि जिस तरीके से हमने मैच करा है लिस्ट वन से लिस्ट टू को ऑप्शन थ्री उसके साथ करेक्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगर प्रिंट वॉज गिवन बाय सो प्राइमरी क्लासिफिकेशन किसने दिया था फिंगर प्रिंट का सबको पता है सर एडवर्ड रिचर्ड हैंनरी टेन डिजिट क्लासिफिकेशन भी सर एडवर्ड रिचर्ड हैंनरी ने दिया था सो चाहे टेन डिजिट क्लासिफिकेशन हो या प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगर प्रिंट का इट गोज़ टू सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है सो लिस्ट वन में कुछ आपको लाइक फिननाज मैंशन है लिस्ट टू में आपकी इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक एच पी एल सी मास आई एस ओ इलेक्ट इलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड टी एल सी सो देखो टी एल सी इज रिलेटेड विद आर एफ वैल्यू ठीक है एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर इज़ रिलेटेड विथ एम बाइजेट मतलब मास एंड चार्ज रेशियो के बेसिस पर क्या करता है ये सेपरेट करता है आपके मॉलिक्यूल्स को आइटम्स को एंड पी आई इज़ रिलेटेड विथ आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्योंकि आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जो प्रोटीन होती है उस उसको फोकस करती है ओके सो देख लेते हैं फोर्थ वन इज ए में फोर्थ सो दिस इज ओके दिज आर द टू ऑप्शन ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होने वाला है जिसमें ए फोर्थ को मैच करता है एंड अगेन टू इज रिलेटेड विथ डी टू टू इज विथ डी ओके सो ऑप्शन फोर इज दी करेक्ट ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया मैच ऑफ द फॉलोइंग का एक ये भी एडवांटेज होता है अगर आपने दो से ज़्यादा मैच कर लिए या फिर दो मैच भी कर लिए हैं तो यू कैन लैंड टू द करेक्ट आंसर सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन से आपको लिस्ट टू को मैच करना है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर पायरो पे क्या है ईडीएक्स जी सी एस एन एफ टी आई आर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है और आपको इंस्ट्रूमेंट से इन चीजों को क्या करना है अटैच करना है सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें सो फॉर दिस पोलराइजर किसमें यूज होता है पोलराइजर यूज होता है आपके गैस क्रोमेटोग्राफी में ओके पोलराइजर इज़ यूज इन द क्रोमेटोग्राफी एंड सेम किस में यूज़ होता है सेम यूज़ होता है सेम ई के साथ आता है सेम ई डी एक्स आपने ऐसे कपल्ड डिवाइस में देखा होगा सेम ई डी एक्स राइट सो सेम इज़ ऑलवेज कपल्ड विथ ई डी एक्स सो इन दोनों के बेसिस पे लेट्स ट्राई टू गेट द करेक्ट आंसर ए कम्स विथ टू सो ए कम्स विथ टू देखो इनमें सारे डिफरेंट ऑप्शन है इससे करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए ही मिलता है क्योंकि किसी भी और ऑप्शन में ए के साथ सेकेंड ऑप्शन नहीं जा रहा है बी इज़ विथ फोर एफ टी आई आर ए टी आर के साथ ए टी आर के साथ है सी सेम ई डी एक्स के साथ है एन डी आई पी सी जो क्या है एफ डी आई आर के साथ आई सी बी एफ डी आई आर के साथ है ओके सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन ईच मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस अब्जॉर्ब अ सिंगल फोटोन ऑफ रेडिएशन कॉजिंग द रिएक्शन एंड इज एक्टिवेटेड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ये कौन सा फिनोमिना है आपको याद होगा कि ये स्ट्रोक आइंस्टीन लॉ है दिस इज द स्ट्रोक आइंस्टीन लॉ ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 अरेंज द फॉलोइंग इस इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन द क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन इस तरीके के क्वेश्चन भी क्वेश्चन पेपर मेकर्स का काफ़ी फेवरेट है कई बारी ये जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कई बारी कम होते हैं सो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले कौन सा स्टेप आता है तो चलो प्रोटेक्ट द क्राइम सीन कलेक्ट द एविडेंस सर्च फॉर द एविडेंसेस इन फोटोग्राफी ऑफ द क्राइम सीन सबसे पहले ऑप्शन ए ही आएगा चाहे आप किसी भी क्राइम सीन में जो आपको क्राइम सीन प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सो so, या तो ऑप्शन वन करेक्ट है या तो ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि ये दोनों ही ए से शुरू होते हैं जैसे ही आप क्राइम सीन क्या करते हो प्रोटेक्ट करते हो फिर क्या करना होता है जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें बोल रहा है कि कलेक्ट द एविडेंस बट हम एविडेंस कलेक्ट नहीं करते हैं बिना एविडेंस सर्च के आप कलेक्ट नहीं कर सकते लेट्स गो फॉर द आंसर थर्ड ए के बाद डी है येस सर्च फॉर द एविडेंस फर्स्ट है इट सर्च फॉर द एविडेंस कलेक्ट द एविडेंस एंड सॉरी कलेक्ट द एविडेंस विल बी द फोर्थ वन ये थर्ड है फोटोग्राफी ओके सो ए डी सी बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन असरशन रीजन क्वेश्चन है असरशन क्या कह रहा है द क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग लीड एविडेंसिस ओनली क्लास कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है इट्प इट हेल्प्स दी इट हेल्प्स टू प्रोवाइड लीड एविडेंसेस क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स आर एबल टू जनरेट इन्फॉर्मेशन विच इज हाईली प्रोबेबल टू कनेक्ट द विक्टम एंड क्राइम सीन एंड द पोर्पिटोरेटर हाँ ये जो असरशन रीजन है ये बिल्कुल करेक्ट है एन असरशन इज दी

फ्लोरिसंेंस माइक्रोस्कोप को हम किस में यूज करते हैं फ्लोरिसंस माइक्रोस्कोप से आप बायोलॉजिकल मटेरियल को देखते हो वाई क्रोमैटिन एज अ बायोलॉजिकल मटेरियल हियर क्रोमोजोम्स को आप फ्लोरोसिस माइक्रोस्कोप से देखोगे देन वी हैव स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप सो एक बार ये देख लेते हैं ए गोज विथ टू बी गोज विथ फोर ए गोज विथ टू अच्छा तो ये तीन पॉसिबल ए गोज विथ टू एंड बी गोज विथ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन विच ड्रग इज एक्सटेंसिवली यूज एज अ डेट रेप ड्रग काफी स्ट्रेट क्वेश्चन है सो आपको ये पता ही होगा आंख बंद करके आपको फ्लू नाइट्राजिपे टिक कर देना है बिकॉज फ्ल्यू नाइट्राजेपाम इज़ ऑल्सो नोन एज अ डेट रेप ड्रग क्योंकि ये किसी को भी किसी भी ड्रिंक में मिला के देने पर जो पर्सन कंज्यूम कर रहा है उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता यह टेस्टलेस ऑर्डरलेस होता है इसी वजह से इसे एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाने लगा था एट अ टाइम एज अ डेट रेप ड्रग

नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन असर्शन क्या है रिंगिंग मैथाइल एल्कोहल कॉजेज डेथ मैथाइल एल्कोहल मेटाबोलाइजेज इन द बॉडी एंड इज कन्वर्टेड इन टू फॉर्मेलडी हाइड हाँ जी फॉर्मेलिटी हाइड में कन्वर्ट तो हो जाता है एंड इट कॉजेज डेथ और परमनेंट ब्लाइटनेस ऑल्सो है ना सो रीजन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है ऑल एल डी हाइड्स एंड कीट ओन गिवस आयोडोफॉर्म रिएक्शन ओके बट आई डोंट थिंक ही सभी एल्डीहाइड की डोन आइडोफॉर्म बनाते हैं स्टेटमेंट टू से इज ग्लूकोज गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन सो ये ग्लूकोज तो आइडोफॉर्म रिएक्शन फॉलो करता है बट ए नहीं करता सो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री क्या कह रहे हैं रिसन इज अ टाइप ऑफ अ मेटल टन इज कैपेबल ऑफ स्टॉपिंग ट्रांसक्रिप्शन ठीक है रिसन एक ऑफकोर्स टॉक्सिन um, है बट ये मेटल टॉक्सिन नहीं है रिसन तो प्लान टॉक्सिन है एंड जो रिसन है इट इज नॉट केपेबल ऑफ स्टॉपिंग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन जो डीएमएल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है उसकी बात हो रही है सो so, दोनों ही गलत है ओके सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है म फिरी टंगस्टन सिल्वर एंड गोल्ड इनका आपको क्या मैंशन करना है लाइक uh, अल्फाबेट like, से मैंशन करना है राइट right? सो so आपको ये पता ही होगा दैट म क्यूरी इज इज रिटर्न एज एच जी बहुत ईजी है एंड टांगस्टन को आप स्किप कर दो सिल्वर इज मैंशनड एज ए जी ए जी एज एज ए जी हम मेन्शन करते हैं इन गोल्ड इज सो ऑटोमेटिकली टंगस्टन इज विथ सो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट ओके, सो लिस्ट वन में लिखा हुआ है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से है एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, कैल्शियम यही है बी पी ब्लॉक एलिमेंट सो पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दिस वन एंड दीज आर दी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कैडमियम वगैरह ओके कैडमियम गोल्ड एक्सेट्रा सो दिस इज दी करेक्ट मैचिंग एवरी वन Next question, question number 76. The ability to establish the exact whereabouts of an item of evidence and under whose control it was since is collected upon to the courtroom is known as chain of custody. Okay, when, evidence, how time was These all chain of custody. Next question, question number 77. Indented writing is not visible to the naked eye, yes. May be recovered from an instrument called ESDA. I last class in the last class. ज द इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम इंटेंडेंट राइटिंग्स को रिवील करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन एपरेटिस बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट विच मॉलिक्यूल विल शो शॉर्टेस्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द लेंथ तो इन लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किन में होगा ये होगा इथेन में ऑप्शन फोर इस दी इथाइन में ओके ऑप्शन फॉर इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंगजॉर्ब्शन इंजेंशन इन्हेलेषन इंजेक्शन सो अब्जॉर्ब्शन इंजेक्शन इंजेक्शन यूजअली इज लाइक रिलेटेड विथ माउथ आप किसी भी चीज को माउथ से खाते हो इनहेलेशन इज विद रेस्पिरेटरी सिस्टम इंजेक्शन इज एंट्री इन टू द बॉडी थ्रू नेडल एब्जॉर्ब्शन इज विद द म्यूकस मेम्ब्रेन सो ये आपका करेक्ट मैच है जस्ट गो टू द ऑप्शन एंड वो चेक कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट आइडेंटीफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ मिल्क टीथ इन ह्यूमन्स ये भी देखो वरिंसक एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चन है बट आपको इस तरीके के सरप्राइज क्वेश्चन मिल सकते हैं ओके सो इरप्शन का सीक्वेंस क्या है सबसे पहले क्या ये होता है सबसे पहले सेंट्रल इनसाइजर्स से आते हैं ना छोटे बच्चों के देखना सामने के ऊपर के छोटे से दो दांत नीचे के छोटे से दो दांत तो ये सेंट्रल इंसाइजर्स होते हैं ठीक है तो सबसे पहले सेंट्रल इंसाइजर्स आते हैं फिर क्या आते हैं लेटरल इंसाइजर्स आते हैं फिर कैनाइन आ जाते हैं एंड देन फर्स्ट मोलर आएंगे हाँ फर्स्ट मोलर आएंगे एंड लास्टली सेकेंड मोलर्स आते हैं तो ये क्या है इराप्शन मिल्क टीथ के इराप्शन का सीक्वेंस है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी वन लेस वन को लेस टू से मैच करना है एलन करी कार्लैंड स्टीनर एलेक्स जेफरीज डब्ल्यू एम रॉगमैन सो इनको आपको इनके फील्ड से क्या करना है रिलेट करना है जैसे कि कार्लैंड स्टीनर है ना सबसे पहले तो मैं इस पर ही फोकस करूँगी कार्ल लैंड स्टीनर इज़ रिलेटेड विथ सीरोलॉजी क्योंकि उन्होंने ब्लड ग्रुपिंग करी थी एलेक् जेफरी इज रिलेटेड विथ डी एन ए प्रोफाइलिंग ओके अब इनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं मैच कर सकते हैं बी गोज विथ थ्री एंड सी गोज विथ टू सी के साथ टू सो दीज आर दू ऑप्शन जिस में सी इज मैच विथ टू एंड बी इज मैच विथ थ्री बी इज मैचड विथ थ्री सो ये ऑप्शन इज मैच विथ थ्री ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी टू स्टेटमेंट मॉइट एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स इट ट्रेस यस फिजिकल एविडेंस कैन कनेक्ट लिंक

Option first, assertion, reason both true. Reason is the correct explanation of assertion. Next question, question number 85. Statement 1 says in a reverse phase chromatography, mobile phase is polar. इन रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेस इज पोलर ठीक है तो इसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसका करेक्ट स्टेटमेंट यह है भाई कि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज पोलार होता है सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स

कंटेन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी थ्री पोलिमोर एक्सचेंज रिएक्शन आर एफ एल पी कोड इज एंड पीकोग्रीन सो पी सी आर रिस्ट्रिक्शन एनजाइम ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन डाटा बेस तो कोड इज तो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन डाटा बेस है ठीक है डी एन डीएनए डी एन ए इन्फॉर्मेशन है इसमें आर एफ एल पी इज आर एफ एल पी के बारे में बताया ना मतलब रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पोलिमोरफिजम सो इट यूज रिस्ट्रिक्शन एनजाइम ठीक है आर एफ एल पी कोडीज गोज विथ ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन एंड पी सी आर इज डी एन ए ठीक है पी सी आर अच्छा टैग डी एन ए पीको ग्रीन Is for, like, देखो ये दो थोड़ा ऑप्शन में कंफ्यूजन है पहले देख लेते हैं आर एफ एल पी ए के साथ जा रहा है बी वन सी टू बी वन सी टू बी वन सी फोर बी नहीं सी फोर तो नहीं है ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन हियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी नाइन चलो जल्दी जल जल जल्दी से मैच कर लेते हैं सो क्वेश्चन नंबर एटी नाइन लिस्ट वन लिस्ट टू को मैच करो स्पाइनल पॉइजन कार्डियक पॉइजन फाइटोडॉक्सिन नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन सो जो स्पाइनल पॉइजन है ठीक है स्पाइनल पॉइजन इज नक्सफामिका ठीक है कार्डियक पॉइजन ईजी है कार्डियक पॉइजन डिजिटालिस एंड ये दोनों को तो रहने ही देते हैं ए गोज़ विथ फोर बी गोज़ विथ वन ए फोर ए तो फोर में ए की है बी वन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थ्री इज़ दी करेक्ट

both the statements are correct but reason is not the correct explanation to assertion 91 statement 1 diffusion of oxygen at the tissue level is affected by the carbon monoxide carbon monoxide force Gene and cyanides yes cure uh, is a condition where diffusion of oxygen is affected at the tissue level no

नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री बिच ऑज दल्प्स टूट अमाइंड द टाइम सिंस अप्रोक्सीमेट डेथ अप्रोक्सीमेट डेथ टाइम्स टाइम सिंस डेथ डिटेक्ट करने के लिए अल्गाोटिस इज इम्पॉर्टेंट इसके अलावा अमाउंट ऑफ फूड इन द स्टमक अमाउंट ऑफ फूड इन द स्टमक अमाउंट ऑफ स्टोनियम इन दूला फ्लूड नहीं रैगोमोटिस पेरिकार्डियल फ्लूड नहीं सो so, ठीक है A, B, and D is the correct option for this question. Next question 94. Which of the following are essential requirements to commit forgery of signature by stimulation? So by stimulation, so ek model signature keeper or model signature for stimulation. So option 4 is the correct option. Next question: option number uh, question number 95: Identify the odd one out in the following. डिस्पोर्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्टोर्शन सो काफी ईजी है ये डिस्टोर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नाइनटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्नीक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्नीक तो वाइब्रेशनल क्या है डिफरेंट वाइब्रेशन के बारे में मैंने पढ़ाया था आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी करेक्ट आंसर मेन हुग्नेचर सुपर इम्पोर्स एक्सैक्टली अपॉन दैन विच ऑफ द फॉलोइंग एक जैसा एक्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी पेस वाली जो फॉर्चरी होती से है सेम कहते हैं ट्रेस्ड फॉर्चरी और इसी वजह से डिटेक्ट हो जाती है क्योंकि कुछ एग्जैक्टली सेम होती है नेचुरल वेरिएशन तो आना चाहिए हैंडराइटिंग में

so um, chamber mark is related with fired cartridge okay rifling mark is in the fired bullet so b goes with 3 c goes with 1 b goes with 3 c goes with 1 option 3 correct नेक्स्ट क्वेश्चन हंड्रेथ वन अरेंज द करेक्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन मैथड ऑफ डी एन ए आइसोलेशन ईजी क्वेश्चन है डी एन ओ आइसोलेशन क्या करते हैं सबसे पहले सेल लाइसिस करेंगे प्रोटीन डाइजेशन करेंगे ये सबसे पहले ही दिख गया मुझे बिना सेल ब्रेक किए तो आप डी एन ए निकाल ही नहीं सकते ना फिर क्या करोगे एक्सट्रैक्शन ऑर्गेनिक सॉलमेंट क्वान्टिफिकेशन डी एन एफ प्रिसिपटेशन सी से कौन कौन शुरू हो रहा है सी C... ए की शुरू हो रहा है बिना लाइसिस के तो अच्छा इजी क्वेश्चन हो गया फिर तो इट स्टार्ट्स विद सेल लाइसिस प्रोटीन डाइजेशन आप सेल ब्रेक करोगे डीएनए रिलीज करोगे एंड देन यू विल गो विद ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन एंड देन डी डीएनए प्रेसिपिटेशन ई ड्राइंग एंड अल्कोहल रिमूवल यस फोर्थ एंड क्वांटिफिकेशन कितनी क्वांटिटी लास्ट में पता करोगे सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन हीयर सो वी आर डन विथ हंड्रेड क्वेश्चन एवरी वन आई होप दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल अगर हमारी क्लासेस जॉइन करनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है जॉइन कर लो हमने टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का पेपर भी सॉल्व कर लिया अगर वो 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 वीडियो नहीं देखिए तो जाके वो वीडियो भी देख लो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम क्योंकि पी डी एफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी सॉल्ड वाली ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन हैव अ ग्रेट डे बाय